अपनी मांगों को लेकर दो दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। रोडवेज की कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हम इस वक्त हिसार के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पीछे जो है सिर्फ प्राइवेट बसें ही जो है बूथों पर लगी हुई है। ज़्यादातर रोडवेज बसें बंद है क्योंकि कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारी हमारे साथ हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या मांगे आपकी है जिसको लेकर आप आज हड़ताल शुरू की है? जो सबसे बड़ी मांग है पेंशन की। जो बीजेपी की पूर्व की सरकार आई थी उसने पेंशन बंद करी थी। और दूसरी हमारी जो मांग है वो है निजीकरण के ऊपर रोक लगाए और 10,000 रोडवेज में बसें शामिल की जाए। इसके बावजूद भी हमारी अनेकों मांगे जो रोडवेज के कर्मचारियों की है 1992 से 2002 के कर्मचारी को पक्का करने की है, 2016 के कर्मचारी को पक्का करने की है, 5 साल के बोनस देने की बात है, और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं। लेकिन मान भी सरकार है ना, बार बार उनको लेती है लेकिन इसके बावजूद मानने के बाद उन मांगों को लागू नहीं करती, इसलिए हमें कहीं ना कहीं हड़ताल करने पे मजबूर होना पड़ता है। हिसार रोडवेज की बात करें, कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कितनी रूटें अब तक बंद की? आज अभी जो चालक परिचालक है वो तकरीबन है, अब सुबह कोई एक भी कर्मचारी कोई ड्यूटी पे नहीं गया है। हाँ, सीमा एक कर्मचारी है ना कोई जाने अनजाने में ड्यूटी पे गया है, बाकी सारे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। रोडवेज की कोई भी बस नहीं चल रही। जो किलोमीटर स्कीम के तहत जो बसें ली गई थी उनमें कुछ प्राइवेट कंडक्टरों को, क्योंकि वो बस भी प्राइवेट हैं, उनको चढ़ा के 15-20 बसें मतलब बनाऊँ मैं ज़रूर चलाई है। बाकी हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि रोडवेज के कर्मचारियों ने जब से साझा मोर्चा बनाया है सभी यूनियनों ने एकमत होकर ईमानदारी के साथ काम करके रोडवेज के कर्मचारियों का विश्वास हासिल करके और ये जता दिया है सरकार को कि भाई आने वाले समय में रोडवेज के कर्मचारियों की जो जायज मांग है जो मानी गई है उनको तुरंत लागू करें। नहीं तो अभी आंदोलन है, इस हड़ताल के बावजूद भी मीटिंग करके समीक्षा करके और आगे भी एक आंदोलन की रणनीति तैयार की जाए। तो बिल्कुल, रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि उनकी यूनियन की तरफ से सरकार को जो है मांगे भेजी गई थी, कहा गया था कि हड़ताल पर जाएंगे लेकिन सरकार ने कोई मांग नहीं सुनी, ना ही उन्हें किसी बातचीत के लिए बुलाया, इसलिए उन्हें मजबूरीवश ये हड़ताल करनी पड़ी है जिसकी वजह से रोडवेज बसें भी बंद हुई हैं और लोगों को भी परेशानी हुई है। कुलदीप सिंह, ईटीवी भारत, हिसार।